सामने ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीप हर तू में पापन दीप ज्योति जनार्दन शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति आत्म ज्योति कदुकताय गुरु ज्योति भारत माता की दिव्यंग जन भाई बहनों की दिव्यंग जन भाई बहनों की दिव्यंग जन भाई बहनों की पहले हमारे बीच आज के इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के शुभ अवसर पर माननीय चीफ गेस्ट श्री रघुनंदन सिंह बबलू जी जो हमारे जिला कठुआ विकास परिषद के वाइस चेयरमैन हैं हमारे बीच हमारे सक्षम विभाग के संयुक्त सचिव जम्मू और कश्मीर श्री संजीव सिंह जी महासचिव कठुआ जिला के जिला उपाध्यक्ष ग्राम स्वराज से आए हुए हमारे बीच भाई बहन प्यारे बच्चे और मीडिया के जितने भी हमारे मेरे भाई आए हैं मैं आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इससे पहले कि हमारा आज का प्रोग्राम शुरू हो मैं जो हमारे साथी हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक एक फूल देकर हमारे दिव्यंग भाई बहनों को सम्मानित करें। दूरी लेना चलिए किसी बहुत ही होनहार मैं आपको बताना चाहूँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम हो रहा है जिन्होंने हमारी पीड़ा को समझा कि दिव्यांगों की भी क्या पीड़ा होती है। आप दे सकते हैं हमारे सूरदास जी नेत्रहीन होने के बावजूद भी कृष्ण दोहे उन्हें भगवान लीला से इतना प्यार था क्योंकि उनकी अंतरात्मा जीवित थी। बाहर से बेशक दृष्टिहीन थे अंदर उनकी आत्मा जीवित थी इसलिए हमें विकलांग जरूर हैं पर हमारी सोच विकलांग नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा हैं। हमें अगर समाज के लिए समाज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने अपने इलाके में कम से कम 150 पेंशन लगाई है घर घर जाके 150 पेंशन लगाई है ताकि वो कह सकें भाई विकलांग होने के बावजूद हर आदमी की मदद हो रही है।
सबका ये शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारे दिव्यांग लोगों के लिए ऐसा सोचा। आज तक सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोचती। सर मैं खुद हैंडीकैप हूँ, मैं मैट्रिक पास भी हूँ और मेरे हस्बैंड प्लस टू पढ़े हुए हैं। ना उनको नौकरी मिली आज तक, ना मुझे मिली। सर मेरे बच्चे भी क्वालिफिकेशन है, उनको भी कोई नौकरी नहीं मिली। सर जहाँ जाते हैं धक्के ही मिलते हैं, सिर्फ एक पेंशन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिल रहा। सर 1000 मोदी साहब जी आए थे तब हमारी पेंशन 400 रुपया थी, पहले कांग्रेस के समय में। फिर हमारी पेंशन 1000 रुपया हो गई, कब से 1000 रुपया पेंशन ही हमारी चल रही है। लेकिन हम आज सर मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जैसे कि भाई बबलू जी ने, भाई मोहन जी ने जो भी विचार प्रकट किए, मैं उन विचारों के साथ पूरी सहमत हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि एक दिव्यांग लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए, पैकेज होना चाहिए, उनके बच्चों के को कोई नौकरी होनी चाहिए, जैसे कि कोई हॉस्पिटल में कोई सुविधा होनी चाहिए। सर दिव्यांग आप नहीं जानते, सर दिव्यांग तो हम हैं, लेकिन दिव्यांग को हर जगह धक्के ही मिलते हैं। सर कोई दिव्यांग की नहीं सुनता, ये मैं रियलिटी के साथ कहती हूँ, मेरे साथ हुआ है। सर एक दिव्यांग कहीं ऑफिस में चले जाए उसको भी पीछे, कहीं भी चले जाए उसका ये ऐसे ही है। जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास रिश्वत है, उन लोगों को आगे निकालते हैं सर, लेकिन दिव्यांग के बारे में कोई नहीं सोचता। हम जो मुझे नाम याद नहीं है, जो भी ये हैं रघुनंदन जी, ये बबलू भाई जी, ये मोहन भाई जी, जो भी प्रेम भाई जी, केवल भाई जी, जिन्होंने हमारे लोगों के लिए ये सोचा, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए ये दिवस रखा। बस सर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, भारत माता की जय। सारी पेंशन भी आने वाले दिन चुन है 3000 हो जानी है, ठीक है ना। 3 पिछले 1000 कन्नै कुछ बनता नहीं। पहले मैं जो स्टार्ट की 150 ली ही, 150 कन्नै भी उसलै चलो गुजारा हो जाता, माड़ा मोटा उन्ना महंगाई का थोड़ा दौर भी है, तो चलो 3000 हो गया बड़ा हो जाता। तो मैं अपने गौरमेंट अगर अगर ना एक रिक्वेस्ट भी रखनी है कि एक PM अपने तरफों ना एक इंप्लायमेंट का पैकेज होना चाहिए। मतलब मी लगता कि आदर स्टेटा ही मिलता भी है, सानू भी मिलना चाहिए है ना। कोई 10वीं पढ़े का, कोई 12वीं पढ़े का टेस्ट बेचारे का वह क्लीयर नहीं होता, तो कोई और गै नंबर मारी जाता है ना। मैं आना कि उन्हें भी नौकरी मिलनी चाहिए, कि हैंडीकैप विकलांग बेचारा जरा ना वो ध्याड़ी नहीं लाई सकता है। बेचारा तो मैं नहीं आगा उसी, फिर भी बड़ा कुछ करता है, मगर उसी ध्याड़ी नहीं लाई सकता है। उसी कोई गौरमेंट कोई ना कोई इंप्लायमेंट लुभनी चाहिए है, इंडस्ट्री तो उसी रख देनी है, क्योंकि मैं आपूं धक्के खाते हैं। मैं 3 साल मैं मतलब कि एक टैली का काम किया अकाउंट का, मी नहीं रखा क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री ने क्या होंगे कि एक बंदा त्रै काम करे, वो कोई सेल दफ्तर भी जा, कोई और भी दफ्तर जा, तो कोई हैंडीकैप तो कर ही नहीं सकता क्योंकि स्कूटी नहीं बेचारे को, इन्नी जगह दौड़गा। मैं कहा कि गौरमेंट इंप्लाई एक गौरमेंट तरफों एक पैकेज लुभना चाहिए उसी, कि हैंडीकैप जेड़े कोई इन्ने ज्यादा तो नहीं है ना, है तो कोई चाहते हैं, पर उन्हें क्या पैकेज लुभना चाहिए। मैं गौरमेंट अगर इो रिक्वेस्ट करगा, मैं पापा जी के थ्रू गए इो हमारे बीच सन्नी जी परोटी से हमारे भी एक हमारी कोई एक दो बहन आ जाए, आप आओ। भूमि का हो रहा है विकास, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। एक बच्चा छोटा, ओके भारत माता की, भारत माता की। मेरे से पहले कुछ हमारे भाई जिन्होंने अपने विचार रखे, हमारी बहन ने अपने विचार रखे, मोहन जी ने रखे, सभी ने रखे। आज का जो दिन है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, ये 2008 में UNO ने डिक्लेयर किया था, 2008 में UNO ने डिक्लेयर किया था, ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो हमारा जो विभाग सक्षम है, सक्षम जम्मू एंड कश्मीर, सक्षम दिव्यांगों के लिए काम कर रहा है, सक्षम दिव्यांगों के लिए काम कर रहा है।
दिव्यांगों की जो प्रॉब्लम हैं उनको कौन कौन सी मुश्किलें आ रही हैं, उनको सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें कौन से कड़े कदम उठाने हैं, कौन से स्टेप उठाने हैं, ये काम हमारा सक्षम विभाग कर रहा है। इसके लिए हमने पिछले दिनों पूरे जिला कठुआ में कम से कम 70 सेवा केंद्र, दिव्यांग सेवा केंद्र हमारे कठुआ की 257 कठुआ डिस्ट्रिक्ट की 257 पंचायतें हैं और उनमें से कम 70 पंचायतों में हमने दिव्यांग सेवा केंद्र खोले हैं। ये पहला कदम चैलेंज है। पहले तो मैं सामान्य मंच पर पहले मैं इन्हें आए थे हमारे साढ़े चीफ गेस्ट आज दे रघुनंदन सिंह बबलू जी, ओडी अत्री साहब संजीव जी, साढ़े नरदेव जी, मोहन जी जिन्होंने बड़ा अच्छा बोलिया, सूरज जी और मीडिया कर्मी, और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अच्छी तरह से इसको कि दिव्यांग के साथ जुड़ने का और इनके इनके रूबरू होने का और इनकी हेल्प करने में हम कहीं भी अगर पीछे रह ना जाएं हम लोग समाज की, देखिए इनके इमोशन इनके जुड़ने से ऐसा लग रहा है कि बच्चों की प्रॉब्लम है, इनको आने जाने की प्रॉब्लम है, कैसे कैसे सुने, और राष्ट्र संघ पूरा जुड़ रहा है। मोदी सरकार जब से आई है तो राष्ट्र में बदलाव आ रहा है, नेशन में बदल रहा है। आप कुछ भी वजह हमारे लखनपुर से आए हुए हमारे जोगेंद्र जी, तो मैं उनको देखता हूँ कि मेरे पीछे रहते हैं, इन्होंने मेरे ऑफिस में भी जॉब किया, तो मैं आज यहाँ से ये भी कहूँगा कि अगर किसी को जॉब करना होगा, कोई प्राइवेट कर सकता है, तो मैं दो दिव्यांग जो अच्छे काम कर सके मेरी फैक्ट्री में आना, मैं दो लड़कों को या बच्चों को जॉब दे सकता हूँ। इतना मुझ में है कि कोई भी हो आप तैयार हो जाना, कोई भी आगे देख लेना पहले आके, मैं गाड़ी भेजूँगा, आप देखना कोई तैयार होगा तो वो कर सकेगा काम। लेकिन आगे मैं कहूँगा कि आगे जो 11 तारीख को जहाँ पर फंक्शन होने वाला है, इसी आपसे यही हमारा निवेदन है कि आज हमारी शुरुआत है, आज पहला दिन है ना, आज इंटरनेशनल दिव्यांग डे है, दिव्यांग डे है, कि इसको मनाने के लिए हमने आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक पैलेस में आपका आपके साथ रूबरू होने के लिए, इसीलिए कि मीडिया के माध्यम से भी कहेंगे कि 11 तारीख का जो फंक्शन है, आप जितने भी समाज है आपके साथ दिव्यांग और परिवार जो सम्मेलन है और दोस्त फ्रेंड्स जो भी हैं आपके साथ आए यहाँ पे इस फंक्शन को चार चांद लगे, तो आज का जो फंक्शन है आपके साथ मिलना और आपकी प्रॉब्लम जो जितनी भी है, आप बताया मोहन जी ने कि 1000 जो पेंशन मिल रही है आपको, उसकी अभी 2000 या 3000 हो जाएगी, उसके लिए भी आप हमारे यहाँ डॉक्टर ज्योतिंदर सिंह जी आएंगे, हमारे स्वामी जी आएंगे, पूरा जितना भी संगठन है वो सारा यहाँ जुड़ेगा, आपके साथ खड़े हैं हम लोग। आज हमें भी मौका मिला आप इस के साथ जुड़ने का, आप लोगों के साथ बात करने का, तो आपके दर्द जो है हमें फील हो रहा है कि बाकी कहीं ना कहीं कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम, कहीं ऑफिस में जाते हैं, कहीं ना कहीं कोटा होना चाहिए, आपके बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए, स्कूल में एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, खाने की सुविधा होनी चाहिए, कहीं भी आप जाए आपकी आपके लिए फैसिलिट हो जहाँ भी, तो इसके लिए मैं बबलू जी का और अपनी जितनी भी टीम है आज तो आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय कठुए। पहली बार मनाया जा रहा है ओह चाहे साढ़े जिला के प्रधान ओडी अत्री साहब, साढ़े सैकटरी साहब संजीव जी, साढ़े नरदेव जी बैठे थे इतने वाइस प्रेजिडेंट, मातृशक्ति दोस्त बुजुर्ग बच्चे तो मीडिया के साढ़े बंधु, ये अज जो दिन मनाए दा ये दिव्यांग दिन है, दिव्यांग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया च अज मनाया जा रहा है। इस दिन उपर सारे ही मुबारक तो सारे ही मेरा प्रणाम कि जियां के साढ़े अत्री साहब ने आख्या कि ये जड़ी तुहाड़े वास्ते जड़ी लड़ाई है अस सारे रली है किट्ठे होइए लड़नी, क्योंकि जड़ी तुहाड़ी डिमांड है बाकी बड़ी जेन्युइन और जिन्नी भी टीम बैठी दी है साड़ी उपर हाई कमांड बैठी दी है जम्मू साड़ी दिल्ली बैठे सैक्शन विभाग के ये सारे ही चर्चा सारे ही फिक्र है कि जिहड़ियां इंदियां जेन्युइन डिमांडां ने वो बड़िया जरूरी और वो पूरी कर दियां। दिव्यांग बंदा लत्त दा हो सकदा बांह दा हो सकदा लेकिन इत्थों कदे दिव्यांग नहीं होना, क्योंकि आत्मनिर्भर जिहड़ा बंदा है, मैं ऐसे ऐसे अपने बच्चे अपनिया भैन ते अपने भरा ऐसे ऐसे दिव्यांग दिखे कि वो अस बड़े बड़े तेज तराट बंदे भी वो काम नहीं करी सकते, वो कला नहीं करी सकते जिहड़ी उन्हें करिए दसी।
और उन्हें नाम जीते, फर्स्ट प्राइज जीते, क्योंकि उन्हें दिल उनका बड़ा ताकतवर है, दिल बड़ी मजबूत है उनका, तां सारे रली है। जिहड़ी भी टीम अस बैठी दी है, ये तुहाड़े कन्ने अस कंधे कन्ने कंधा मिलाई है, जिथे भी तुहानू साड़ी जरूरत है, जिथे भी तुसीं लगदा है ये सारी टीम तुहाड़े कन्ने है, जम्मू वाली पूरी टीम तुहाड़े कन्ने है, सक्षम विभाग तुहाड़ी सेंटर दिल्ली तक की सक्षम विभाग की टीम तुहाड़े कन्ने है। हैंडीकैप का जिहड़ा दिवस है, दिव्यांग दिवस ये मनाना हर साल मनाना है असें, और तुहाड़े वास्ते जियां कि इहनां गल कीती पेंशन की, ये पूरा सक्षम विभाग दे जिन्ने भी अधिकारी ये सारे बड़ी देर दे लगे दे। देखो 1000 रुपया है पेंशन, एक दिव्यांग बेचारा 1000 रुपये कन्नै बड़ा मुश्किल होई जांदा, लेकिन पूरी टीम ने जिन्हें भी साढ़े सक्षम विभाग के हो ना, उन्हें पूरी सरकार अगे गल रखी, एल जी साहब अगे रखी, उपर सेंटर च भेजी कि इंदी जिहड़ी है 3 गुणा जिहड़ी है बधाई जाए।